हे गाइस, क्या आपने भी थार परचेस की है और अब उसका टायर अपग्रेड कराना चाहते हो? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे आपके राइड हाईवेज पे जा रहे हो या फिर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हो, इस वीडियो में इस दोनों ही टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि अगर आप ऑफ रोडिंग्स पे ज़्यादा जाते हो या फिर हाईवेज पे ज़्यादा राइड करते हो तो आपकी थार के लिए कौन सा टायर बेस्ट रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी थार को हाईवेज पे ज़्यादा ड्राइव करना चाहते हो तो फिर कौन से टायर आपके लिए, किस सीरीज के टायर में जाना आपके लिए बेहतर होगा, कौन कौन से अच्छे प्रीमियम ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, इसके अलावा अगर आप ऑफ रोडिंग्स के शौकीन हो तो कौन कौन से अच्छे ब्रांड्स मार्केट के अंदर आपके लिए बेहतर रहेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं थार के टायर के बारे में। दोस्तों, थार वैसे तो लोगों की बड़ी चहेती गाड़ी है और दिमाग में थार का नाम आते ही ऑफ रोडिंग्स, पहाड़ और एडवेंचर, ऐसी ही चीज़ें दिमाग में हमेशा आती हैं। पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो शौकिया तौर पर थार को ख़रीदते हैं पर उनकी जो मैक्सिमम राइड्स होती हैं वो सिटीज़ में या हाईवेज पे ही चलते हैं। वो एक टशन के तौर पर, एक शौकिया तौर पर थार को परचेस करते हैं पर वो हाईवेज पे ही उसे ज़्यादा ड्राइव पे ले जाते हैं। उनकी जो रेगुलर राइड्स रहती हैं वो सिटीज़ और हाईवेज पे ही होती हैं। तो उनके लिए क्या अच्छे ऑप्शंस हैं मार्केट के अंदर, किस ब्रांड्स के साथ जा सकते हैं? दरअसल पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था, सर मेरे पास थार है और कोई अच्छा टायर बताओ HT में, हाईवे टेरेन्स में, कि मेरे को हाईवेज पे ज़्यादा ड्राइव करनी होती है, सिटीज़ में ज़्यादा ड्राइव है, तो क्या अच्छा ऑप्शंस है मेरे लिए मार्केट के अंदर? तो आज इस वीडियो में हम दोनों ही पहलू को कवर करेंगे कि अगर ऑफ रोडिंग्स वाले के लिए क्या अच्छे ऑप्शंस हैं या फिर आप अगर हाईवेज पे ज़्यादा चलते हो तो क्या आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं हाईवे टेरेन्स की। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि नई थार में आपको 16 और 18 इंची के टायर आते हैं। अब ज़्यादातर लोगों को शौक होता है टायर को ऊंचे साइजेस के बड़े बड़े चक्के थार में डलवाने के। अब ऐसे में अगर आप हाईवे टेरेन की टायर लगवाना चाहते हो और आपकी जो नीड है वो 18 इंची की ही है, आप 18 इंच के टायर के साथ जा सकते हो। तो देखो, यहाँ समझने वाली कई चीज़ें हैं। आपको मैटर करता है कि आप 255 सीरीज़ के साथ जाना चाहते हो या फिर आप उससे नीचे आना चाहते हो या फिर आप उससे ऊपर जाना चाहते हो। क्योंकि अगर हम बात करें जो पर्टिकुलर 255 65 और 18 की, तो उसमें आपको HT पैटर्न में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे मार्केट के अंदर। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 255 सीरीज़ के अंदर आपको ब्रिस्टोन का ड्यूलर और कॉन्टिनेंटल में आपको एक बेहतर प्रीमियम सेगमेंट के अंदर मार्केट में ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक फ्यूल इफिशियंट परफॉर्मेंस बेस टायर चाहते हो तो फिर आप फॉर्चूनर वाली साइज में 265 सीरीज में जा सकते हो। 265 सीरीज के अंदर आपको काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे मार्केट में, जस्ट लाइक आपको प्रीमियम रेंज में मिचलिन में प्रेमिस मिल जाएगा, इसके अलावा ब्रिस्टोन में ड्यूलर मिल जाएगा, योकोहामा में एक आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने थार के लिए एक बेहतर परफॉर्मेंस बेस टायर चाहते हो तो यहां पे जो टायर की विथ है यानी 265 की जो सीरीज है वो आप अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि 235 में आ सकते हो या फिर 255 या फिर 265 में जा सकते हो। ये आपके रिक्वायरमेंट और आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको टायर कितना चौड़ा चाहिए और उस टायर से क्या परफॉर्मेंस चाहिए। तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो कि आपको टायर में विथ ज़्यादा चाहिए या फिर टायर की एक्सपेक्ट रेशियो ज़्यादा चाहिए या फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है आपको फ्यूल इफिशियंट चाहिए, वेट ग्रिप चाहिए या फिर आपको ऑल सीजन टायर चाहिए या फिर आपको एक स्मूथ राइड लो नॉइस वाला टायर चाहिए। तो दोस्तों, ये अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टायर्स आते हैं जो आप अपने डीलर से, नियरेस्ट जो भी आपका डीलर होगा आप उससे कॉन्टैक्ट करके समझ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टायर्स हैं तो सब के बारे में बताना यहाँ पॉसिबल नहीं है। हम इस वीडियो में सिर्फ आपको पर्टिकुलर साइज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप 265 सीरीज के साथ जाना चाहते हो तो आपके पास प्रीमियम रेंज में एक प्रेमिसी अच्छा ऑप्शन है, मिचलिन के अंदर ब्रिस्टोन में ड्यूलर एक अच्छा ऑप्शन है, कोहामा एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा अगर आप थोड़ा बजट आपका कम है, आप इंडियन ब्रांड्स के साथ जाना चाहते हो तो आप फिर अपोलो के साथ जा सकते हो। अपोलो में HT2 है या फिर JK का रेंजर HT भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं ऑफ रोडिंग्स की। अगर आप अपने थार को लेके ऑफ रोडिंग्स में ही जाना चाहते हो तो ऑफ रोडिंग्स के लिए बहुत सारे टायर हैं। फिर ऑफ रोडिंग्स जिनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं तो वो टायर को चौड़ा भी करते हैं, टायर को ऊंचा भी करते हैं, रिम की साइजेस जो हैं इंची में भी आप अपग्रेड करते हो। तो यहाँ पे देखो, आप 18 इंच को हम लेके चलते हैं, अगर आप 18 इंच में ही अपने टायर को चेंज करना चाहते हो तो फिर आपके पास 265 सीरीज़ में काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। फिर वो कॉन्टिनेंटल हो गया और मिचलिन का LTX हो गया या फिर आपको अल्ट्रा माइल के टायर हो गए, ये स्पेशली आपको अच्छे अच्छे मोटे ट्रेड्स में मिल जाएंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ऑफ रोडिंग्स के दौरान।
और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। हालांकि इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी आपको कंपैरिजन टू एचटी टायर्स कम होती है, बट ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है जब आप अपने थार को ऑफ रोडिंग्स में लेके जाते हो, क्योंकि ये पहले से एक माइंड मेकअप रहता है कि आपको स्पेशली आपके टायर से क्या चाहिए। तो ऐसे में अगर बेस्ट ऑप्शंस की बात करें 265 सीरीज़ में आपको मिचलिन है, ब्रिजस्टोन है, योकोहामा है, अल्ट्रा माइल है। दोस्तों अगर आपका बजट कम है और आप एक कम बजट में अच्छा टायर परचेज कर रहे हो तो आपके लिए अपोलो का AG2 एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको 5 ईयर्स की वारंटी भी कंपनी ऑफर करती है, जिसमें आपको 2 ईयर अनकंडीशनल भी कंपनी ऑफर करती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कम बजट के अंदर। इसके अलावा आपके पास MRF का वंडरर भी एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आप MRF के टायर के साथ जाना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है हाईवेज पे, ऑफ टेरेन्स पे, बट इसके साथ आपको वारंटी में अनकंडीशनल वारंटी कंपनी ऑफर नहीं करती है। अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के साथ काम चला सकते हो तो आप बेशक MRF के साथ भी जा सकते हो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो थार के हाईवे टेरेन और ऑफ रोडिंग टायर के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे जुड़ा या कोई अन्य सवाल आपका है तो आप हमें कॉमेंट करके या फिर आप हमें इंस्टा पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।